तमिलनाडु मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मामले की जांच के लिए बिहार से एक प्रतिनिधिमंडल गया है, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार भाजपा अध्यक्ष ने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष से बात की, लेकिन तमिलनाडु भाजपा इकाई प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है, अगर ऐसी घटना हुई है तो केंद्र सरकार को इसकी चिंता क्यों नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ऐसी खबरें आने के बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए एक टीम भेजी गई है। टीम गई है, जब टीम गई है जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर जो है अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें कहा है, हमने तो उस समय भी विधानसभा में ये कहा था कि उस समय भी पूर्व में डीजीपी का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में, और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तो जो बातें उठी थी तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्ध करा दीजिएगा, विजय चौधरी जी ने भी कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको देखते हुए टीम भेज भी दिया है। तो हम लोग तो इस मामले को अगर कोई बात है इस तरह की तो हम लोग, क्योंकि दो चार न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, कुछ मजदूरों का जो बयान है वो देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन के बाहर जो बातें आ रही हैं, तो इसमें सरकार गंभीर है तभी तो टीम भेजा गया। दूसरी बात, एक अखबार है उसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो है बयान जो है वो छपा है, उनका बयान जो है वो छपा है, तो उसमें ये कहा गया है उस बयान में कि जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया और वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई, और ये बात जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई गई है। हालांकि फिर भी कौन क्या बोलता है नहीं बोलता इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई को पता करते हुए जो है हम सभी लोग जो हैं, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम को भेजा है, जब सच्चाई सामने। तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या पर राजनीति तेज हो चुकी है। भाजपा जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पर हमलावर है तो घटक दलों के नेता भी मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि घटना दुखद है, बिहार के लोग ही पूरे देश में जाकर काम करते हैं और देश की तरक्की बिहारियों के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि वहां के डीजीपी गलत बोल रहे हैं, हमें भी जानकारी है वहां बिहारियों की हत्या हो रही है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दुखद घटना है, देखिए बिहार के लोग ही पूरे देश में जाके काम करते हैं और आज जो भी तरक्की हुआ है पूरे देश का वो बिहारियों ने किया है, हमारे मजदूर भाइयों ने किया है, और आज उनकी हत्या होती है तमिलनाडु में, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। और सरकार चुप है, डीजीपी वहां के कहते हैं डीजीपी कि कोई हत्या नहीं हुई, कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, हमें सूचना है कि बिहारियों की हत्या हुई है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हुई है इसको छानबीन करके जो भी किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, आभार प्रकट भी, उन्होंने संज्ञान लिया है, मैं वह जानता हूं, वो बोले हैं पदाधिकारी को भेज रहे हैं वहां जांच करने के लिए, मैं तो उनसे आग्रह करूंगा आपके पदाधिकारी जो जांच करें, निश्चित तौर पर इस पर कभी ढीला नहीं होना है, अगर बिहारी की हत्या हुई है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।